बिहार में सियासत का सुपर शनिवार आज है। बेतिया में कुछ ही देर में वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे अमित शाह। लौरिया के साहूजन मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित गृह मंत्री अमित शाह। लौरिया से करेंगे मिशन 2024 का आगाज। रैली स्थल पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। किसान मजदूर समागम में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए 2024 के मिशन को और मजबूत करने के लिए बैक टू बैक गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अपने शब्दों के जरिए संकल्प की मुट्ठी बांधने से पीछे गृह मंत्री अमित शाह नहीं हट रहे हैं, बल्कि वो अपने साथ साथ बिहार की जनता से भी आग्रह कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करें। भारतीय जनता पार्टी विकास के मिशन पर काम करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस मिशन पर बीजेपी काम करती है। विकासी परियोजनाओं को धार बनाकर गृह मंत्री अमित शाह लोगों के बीच एक अमिट छाप छोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। 80 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और ऐसे में हर संभव कोशिश ये रहेगी गृह मंत्री अमित शाह की कि जो 80 सीटें हैं उस पर फतेह हासिल की जा सके, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे तब भी जो जेडीयू है उसका पूरा समर्थन बीजेपी को मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी को जेडीयू का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आने वाला समय बताएगा कि राजनीतिक परिवर्तन कितना देखने को मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं। आदित्य, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज एक तरफ बीजेपी की रैली जिसको संबोधित करने के लिए केंद्र गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और दूसरी तरफ महागठबंधन की रैली पूर्णिया में होने वाली है। आज का दिन बेहद खास, क्या जानकारी आपके पास है, अपडेट्स क्या है? देखिए पूजा, आज का जो दिन है बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां पूर्णिया में महागठबंधन की रैली होने जा रही है, वहीं महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह का तीसरा ये बिहार का दौरा होगा। आज अमित शाह 1 बजे के करीब पहुंचेंगे बेतिया, जहां पर वो जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद वहाँ जो उस इलाके के जितने तमाम बड़े नेता हैं उन नेताओं के साथ उनकी बैठक भी होगी। इसके बाद पटना का कार्यक्रम है। पटना में 4:10 पर वो बापू सभागार में पहुंचेंगे, जहां पर किसान मजदूर समागमों में वो हिस्सा लेंगे और एक बार फिर से उनके निशाने पर बिहार की सरकार होगी, क्योंकि महागठबंधन की सरकार के बनने के बाद लगातार अमित शाह का बिहार दौरा होता रहा है और बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि 2024 में बिहार की जो 40 सीटें हैं उसमें अधिक से अधिक सीटें वो जीत सके। इसी मिशन में और खुद अमित शाह इसको लीड कर रहे हैं। लगातार तीसरा ये दौरा हो रहा है अमित शाह का, तो बीजेपी की सारी तैयारी हो गई है। 4:10 पर अमित शाह ज्ञान भवन पहुंचेंगे, जहां पर किसान मजदूर समागम में शामिल होंगे। उसके बाद वो तख्त श्री हरिमंदर साहब जाएंगे, जहाँ पर गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। उसके बाद 8:30 से स्टेट गेस्ट हाउस में वो तमाम जो बीजेपी के कोर कमेटी के जितने मेंबर हैं उन लोगों के साथ वो उनकी मीटिंग होगी। 9:30 रात तक उनकी मीटिंग है, तो ये उनका शेड्यूल है। बीजेपी की सारी तैयारी हो गई है, क्योंकि अमित शाह के रैली के जैसे ही ये शेड्यूल बना था कि अमित शाह का रैली होने वाला है बेतिया में और पटना में, उसको लेकर के बीजेपी की सारी तैयारी होगी। तमाम बीजेपी के बड़े नेता पिछले 15 दिनों से लगे हुए हैं कि किस तरीके से बेतिया में जो सभा होने वाला है उसको सफल बनाया जाए, और पटना में खुद जो राज्यसभा के सांसद हैं विवेक ठाकुर वो लगे हुए हैं, तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य लगे हुए हैं कि राजधानी पटना का जो कार्यक्रम है वो भी सफल हो। एक बार फिर से आज का जो दिन होगा वो अमित शाह के निशाने पर महागठबंधन की सरकार होगी। तमाम जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।